किसान और आंदोलनकारी आमने सामने हो गए। यह आपको बता दें कि ये आंदोलनकारी कुछ गांव के लोग हैं जो किसानों के धरने के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना बताया जा रहा है। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसानों और आंदोलनकारियों के बीच पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे भी चले। दरअसल 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बाद से ही सिंगू बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। शुक्रवार सुबह भी पुलिस की तैनातगी बढ़ा दी गई और लगभग 2 किलोमीटर तक सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि सड़क की तरफ एक ओर किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ पुलिस मोर्चा संभाले हुए खड़ी थी। तभी अचानक कुछ लोग पुलिस फोर्स की तैनातगी वाली जगह पर आ गए और खुद को पास के गांव बवाना और नरेला का बताते हुए किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने इन्हें 2 किलोमीटर पहले रोका, फिर भी ये आगे बढ़ते रहे। देखते ही देखते खुद को स्थानीय गांव का निवासी बताने वाले आंदोलनकारी आगे बढ़ते गए और किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, किसानों के प्रदर्शन स्थल के नजदीक पहुंचने लगे। इस बीच किसानों की ओर से भी लोग खड़े हो गए। जैसे ही खुद को स्थानीय वासी बताने वाले लोग आगे बढ़े, वैसे ही किसान और इन आंदोलनकारियों में भिड़ंत हो गई। बताया तो यह भी जा रहा है कि खुद को स्थानीय निवासी बताने वाले आंदोलनकारी लाठी और डंडों से वार करने लगे। इसके बाद किसानों ने पलटवार किया। बाद में आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भी किसानों ने पत्थरबाजी की। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस अफसर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल हमला पहले किसकी ओर से हुआ, अब इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस दौरान एक आंदोलनकारी ने आरोप लगाया कि पहले हमला किसानों ने किया और उनकी तरफ से तलवार से हमला किया गया। पुलिस जवानों का भी कहना है कि किसानों की ओर से तलवारबाजी हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि एक तलवार को जब्त भी कर लिया गया है। फिलहाल खुद को स्थानीय निवासी बताने वाले आंदोलनकारियों को पुलिस खदेड़ रही है। सिंगू बॉर्डर पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। बीच बीच में आंदोलनकारियों की ओर से पत्थरबाजी करने की भी सूचना मिल रही है, जबकि पुलिस द्वारा हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान किसान और आंदोलनकारियों के बीच हुई तलवारबाजी में अलीपुर के SHO के घायल होने की भी खबर आ रही है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए जहां लाठी चार्ज किया, वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े। गौरतलब है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक कई उपद्रवियों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अन्य की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का अभियान जारी है। यहां तक कि दिल्ली में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। मंगलवार को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बुधवार सुबह से देर रात तक पुलिस एक्शन में दिखी। बागपत जिले के बड़ौत में 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने आधी रात को हटा दिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए और हिंसा में भी शामिल रहे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि इन घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल हो चुके हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.